किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आम पे पूरी तरह विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि आम को क्या होता है, कैसा होता है, कौन सा आम अच्छा होता है, आम की क्या प्रजाति होती है, कौन सी वैरायटी का आम अच्छा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, आम का जो है वैज्ञानिक नाम होता है मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है किसान भाइयों। आप जो है मार्केट से कच्चा आम घर पर खरीद के लाएँ और खुद उसको पकाएं, बिना कार्बाइड के पकाएं। मैं इसकी विधि आप लोगों को बताता हूं किसान भाइयों। ये देख, मैंने ये चीज़ लाया है, कच्चा आम जो है मैंने मार्केट से खरीद के लाया था किसान भाइयों, और इसको पकाया है और ये एकदम पक चुका है। देखिए क्वालिटी, देखिए आप लोग, ये देखिए, ये मैं इसको छील के देखिए, दब जा रहा पूरा दबाने पर, देखिए देख रहे आप लोग, ये पक चुका है किसान भाइयों। तो मैं सबसे पहले मैं किसान भाइयों इसको जो लेकर आता हूँ आम को, तो मैं ऐसा करता क्या हूँ किसान भाइयों कि 10 केजी, 5 केजी, 20 केजी लगभग आम लेके आता हूँ मार्केट से, कच्चा खरीद के लाता हूँ। और ये लंगड़ा आम है किसान भाइयों, मैं खरीद के लाता हूँ और उसको सबसे पहले फर्श पे, ज़मीन पे मैं पूरी तरह से बिछा के उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ, ताकि उसका जो चोप होता है किसान भाइयों, उसमें जो उसकी अम्लता होती है वो थोड़ा सा नष्ट हो जाए किसान भाइयों, प्राकृतिक रूप से वो नष्ट हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, जब वो नष्ट हो जाता है किसान भाइयों, तो एक दिन के बाद रहता है, एक दिन के बाद मैं ऐसा एक जो है गोलाकार खांची, इसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, इसको लेके फिर उसके बाद मैं ये जूट का बोरा भी छा देता हूँ इस पे पूरे, और उसके बाद पूरा आम रख के किसान भाइयों, रख के किसान भाइयों, ये अखबार आप लोग देख सकते हैं, मैं इस अखबार से इसको ढक देता हूँ और फिर इसके ऊपर कुछ कपड़ा से पुनः ढक देता हूँ, और यह जो है 4 से 5 दिन में किसान भाई के खाने लायक हो जाता है। तो एकदम आप कार्बाइड का प्रयोग मत करिए, इस विधि से आप आम पकाइए, एकदम नेचुरल तरीके से खाइए किसान भाइयों, और इसको आम को भिगो लिया करिए। यह निश्चित होता है कि मार्केट से खरीद के लाइए या घर का आम हो, इसको भिगो के जरूर आप लोग खाइए किसान भाइयों। कुल का यह एनाकार्डियासिये कुल का जो है फल है किसान भाइयों। एनाकार्डियासिये कुल का मतलब होता है किसान भाइयों, जैसे उष्ण कटिबंधीय या गर्मियों के सीजन में पाया जाने वाला फल कह लीजिए, या फिर गर्म क्षेत्रों में पाया जाने वाला होने वाला फल एक प्रकार, जैसे काजू हुआ, पिस्ता हुआ, आम हुआ, ये सब चीज़ें जो है एनाकार्डियासिये वैरायटी की होती हैं किसान भाइयों। तो सवाल यह है किसान भाइयों कि आम जो है कच्चा होता है तो वो खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, और पक जाता है तो मीठा होता है, क्या इस पर आप लोगों ने कभी विचार किया है क्यों? तो मैं बताता हूँ किसान भाइयों, जब ये खट्टा होता है तो इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होती है, अम्लता जो है इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यह जो है खट्टा होता है किसान भाइयों। अच्छा, पक क्यों जाता है? तो पकने का एक यह कारण है कि समय जैसे ही ज्यों-ज्यों समाप्त होता जाता है त्यों त्यों इसकी अम्लता कम होती जाती है, इसमें विटामिन सी कम होता जाता है, और जो है शुगर के लिए यह मीठा होता जाता है समय के साथ किसान भाइयों। अच्छा, पीला क्यों हो जाता है आम पकने के बाद, पीला क्यों हो जाता है? तो किसान भाइयों, इसके पीला होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें कैरोटीन हो जाता है। ज्यों ही आप, जैसे आप किसान भाइयों कह लीजिए कि अच्छा, दूध आप लोगों ने गाय का दूध देखा है किसान भाइयों, देसी गाय का, वो जो है हल्का पीलापन होता है उसमें, क्यों होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। तो वैसे ही आम में किसान भाइयों, जब ये पकता है तो इसमें कैरोटीन की मात्रा आ जाती है, जिस कारण से इसका रंग पीला हो जाता है। आम खाने में किसान भाइयों, वैसे तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसान भाइयों लंगड़ा आम है, लंगड़ा आम की वैरायटी ही किसान भाइयों सबसे मस्त होती है, आप लोग इसको खाया करिए। इसमें गुठली भी कम होती है, गुद्दा भी ज़्यादा होता है, इसमें जो है बहुत ही अच्छा वैरायटी होता है, इसका पेड़ भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता है किसान भाइयों, मार्केट में जो है आसानी से मिल जाता है। इस टाइम तो 32 रुपये केजी जो है इसका कच्चा आम मिल रहा है, तो आप कच्चा आम ला के ही घर पे पकाइए, क्योंकि बाहर का जो है उसका भरोसा नहीं होता किसान भाइयों की कार्बाइड है क्या, किस चीज़ से पकाया गया है। और अब तो बनारसी देसी लंगड़ा आम को जो है किसान भाइयों GI टैग भी मिल चुका है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिल चुका है किसान भाइयों। अब पूरे भारत में कह लीजिए या फिर किन्हीं क्षेत्रों में पाया जाने वाला बनारसी लंगड़ा आम, चाहे पैदा कहीं भी हो लेकिन वह जाना जाएगा बनारसी लंगड़ा आम के नाम से भी। तो यह एक बनारस के लिए खुशखबरी है किसान भाई, उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी है कि जो है GI टैग मिल गया है, बनारसी पान को भी GI टैग मिला है, और चंदौली की आदम चीनी चावल को भी GI टैग मिल गया है किसान भाइयों। इस GI टैग पर भी मैं एक दिन वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ये आज आम की मैंने वैरायटी बताई आप लोगों को कि आम कैसे आप घर पे पका सकते हैं किसान भाइयों, आपको कहीं बाहर से खरीद के आम को लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे किसान भाइयों, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद किसान साथियों।